कोटपुतली भाजपा प्रत्याशी मुकेश गोयल के समर्थन में पहुंचे भाजपा के केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी घोटालों की बात करते करते यह भी भूल चुके हैं कि उनके स्वयं का गोत्र क्या है। गोत्र दादा का चलता है, नाना का। भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते हुए मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब को लेकर कांग्रेस एससी एसटी मतदाताओं को न केवल गुमराह करने का काम कर रही है, बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है, तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फुट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित करने वाली सरकार भी नरेंद्र मोदी की सरकार की है। इसलिए आने वाली 7 तारीख को आपके अपने स्थानीय भाजपा प्रत्याशी मुकेश गोयल को विजय बनाए जाने की दिशा में हमें कमल का निशान पर बटन दबाना है और मुकेश गोयल को विजयी बनाना है। कार्यकाल में 1865 दिन होते हैं और विधानसभा चलती 130-140 दिन, करीब करीब 1700 दिन का हिसाब पता नहीं रहता है कि विधायक कहाँ रहता है। मैं प्रत्येक दिन का हिसाब ठीक उसी प्रकार दूंगा जैसे गत 3 वर्षों से रक्तमणि अभियान चल रहा है। प्रतिदिन का हिसाब, किसने रक्तदान किया, कब किया, मैं आपके समक्ष फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराता हूं। मैं एक एक दिन का हिसाब और एक एक पाई का हिसाब जो सरकार से मिलता है इस जनता की सेवा में खर्च करने वाला समय, उसका भी हिसाब मैं दूंगा। अब जरूरत है केवल और केवल आप सब लोगों को पुरजोर तरीके से ताकत देने की। एक मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ आप सब लोगों को मिलकर आने वाली 7 तारीख को कमल के बटन का फूल दब सुनने के लिए रुके नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बोला था ना, ध्यान आ रहा है ना, बड़ी संग्रह ये कुछ बोला था ना, चाहे से और भी भूल गया था। उसी समय आपने देखा होगा उसी बंपर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर से नरेंद्र भाई मोदी बोल रहे थे। कोई प्रकार बीजेपी सरकार बना पाए, कांग्रेस झूठ के सारे चुनाव के मैदान में है। पहले उन्हें वोटर लिस्ट को कहा कि फर्जी वोटर लिस्ट बन गई, झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी, अब वोटर लिस्ट की बात नहीं करते। फिर रफाल के बारे में बोला, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में कीमत कोट कर दी कि आपसे कम में खरीद रहे हैं, तब वो रफाल के बारे में भी नहीं बोल रहे हैं। हर समय वो झूठ के सारे चुनाव मैदान में, और अब राहुल गांधी गोत्र के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं, मतलब गोत्र में भी घोटाला। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं और हम चुनाव में ये कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव के बीच में हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट और सुशासन के माध्यम से हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, और इन मुद्दों के साथ ही हम चुनाव मैदान में हैं। राजनीतिक बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, लेकिन कोटपुतली की ये सभा अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन की सभा मानी जा रही है। जो तथ्य आज आपने रखे हैं वो निस्संदेह कंपटीशन में भी काम आने वाले हैं। ये ऐसे तथ्य क्या आपने कोटपुतली में ही उजागर किए हैं या ये आपने कहीं और भी शेयर किए? जहाँ भी मौका मिलता है और मुझे बताया गया कि श्रोतागण किस श्रेणी के हैं ज़्यादा, तो उसी अनुरूप मैं बात करता हूँ। मैं बात जब करता हूँ तथ्यों के साथ करता हूँ। जो मैंने तथ्य रखे हैं वो ऐतिहासिक तथ्य हैं और प्रमाणित हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। कोटपुतली के आदरणीय नागरिकगण, मातृशक्ति और पत्रकार साथी, देखिए अभी मुकेश जी बात कर रहे थे तो एक विषय आया, वहीं से शुरू करूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मान सम्मान प्राप्त हुआ। बाबा साहब का मान सम्मान कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया और गैर कांग्रेसी सरकारों ने क्यों दिया, इसका मैं विश्लेषण करने वाला हूं आज इस कोटपुतली की सभा में। 75 लाख रुपए मिलता है वह इस कोटपुतली की जनता को समर्पित करूंगा। वह मैं इस कोटपुतली की बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की दवाई पर खर्च करूंगा, ऐसा एक संकल्प मैंने लिया था। हम जिनको चुनते हैं वो जाकर हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, न जिला। बाबा साहब को बड़ी पीड़ा हुई कि ये क्या कर रहे हैं,
और उसके बाद हिंदू कोर्ट गए, उसके बाद वो विवाद वहां पर इस्तीफा दिया और राज्यसभा में सदस्य थे लेकिन लोकसभा में नहीं आए थे। अब 6 दिसंबर वो अभी आने वाला है 1956 को बाबा साहब नहीं रहे, उसके बाद जितने भी अंबेडकर से संबंधित जुड़े हुए संगठन हैं उन्होंने मांग की कि बाबा साहब को भारत रत्न दो। कांग्रेस ने बहुतों को भारत रत्न दिया लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। फिर एक मांग रखी कि भाई जिस सेंट्रल हॉल में बैठ करके बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया जिसके कारण यह देश चल रहा है, इस सेंट्रल हॉल में चित्र तो लगा दो बाबा साहब का। तेज चित्र तो कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहां तेज चित्र लगाने की जगह नहीं है। जवाब दिया राइटिंग में, मैं कांग्रेस के जो बाबा साहब के प्रति जो भाव है उसको इस मीटिंग में उजागर कर रहा। समय बीतता गया, गैर कांग्रेसी सरकार आती है वीपी सिंह के समय से और अटल बिहारी वाजपेयी जिसका जिक्र भी मुकेश जी कर रहे थे और लाल कृष्ण की अगुवाई ये बार से समर्थन देते हैं 89 की सरकार वीपी सिंह की, गैर कांग्रेस कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और ये कहे उन्होंने कहा वीपी सिंह जी लंबे समय से अंबेडकर से जुड़े हुए संगठन ये मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और